शिवी शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, एकादशी का दिन आ गया है। यह दिन बहुत ही दुर्लभ होता है क्योंकि अब आ गई है योगिनी काशी। जी हाँ, कल ये बुधवार को 14 जून को है योगिनी काशी। इस दिन आप कोई भी उपाय करो वह सफल ही होता है, किंतु आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वह उन लोगों के लिए है जो बीमारी में हमेशा ग्रसित रहते हैं, जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी आती ही रहती है, सदैव उनका पैसा जाता ही रहता है और डॉक्टरों के पास उनका आया गया खत्म ही नहीं होता है। इस उपाय को करना बहुत ही सरल है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करना बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील के बर्तन में आपको कच्चा दूध तैयार कर लेना है, अर्थात आपको आधा दूध और आधा ही पानी का मिश्रण बना लेना है। आपको ये लेना है और साथ में आप सरसों या देसी घी अपने सामर्थ्य के मुताबिक एक दीपक ले लें। इस उपाय को करने के लिए आपको दोनों वस्तुओं का इस्तेमाल करना होगा और दोनों वस्तुओं को लेकर आप पहुंच जाएं शम्मी के पेड़ के पास। जी हाँ, आपको शम्मी के पेड़ के पास चले जाना है और वहाँ पर आपको यह जो दूध है उसकी जड़ में समर्पित कर देना है। यह कच्चा दूध की धार आपने धीरे धीरे समर्पित कर देनी है। अगर आप यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करते हो तब यह सबसे उत्तम माना जाता है, किंतु आप सुबह सुबह भी कर सकते हो। उसके बाद आपके हाथ में जो दीपक है आप वो समर्पित कर दे और वहाँ पर जब आप यह सब समर्पित कर रहे होगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और उनके सामने अपनी समस्या को कह देनी है। इस नाम को बिल्कुल भी ना भूले, इस नाम का उच्चारण अवश्य करना है और अपने समस्या जरूर कह देनी है। अगर आप यह उपाय अपने लिए नहीं बल्कि घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हो तब आपको यह जो लोटा है उसका हाथ लगाकर ही शमी के पेड़ के पास लेकर आना है और आप जब महादेव का नाम लोगे तब उसकी बीमारी की बात कह देनी है और उसका नाम और गोत्र भी ले देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।